इंटरव्यू में मेरा 155 था, और जैसे मैंने बताया कि चूंकि मैंने बुक्स नहीं पढ़ी हुई थी, तो इस वजह से मैं कहूँगा कि 70% ऑफ द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड इन माय इंटरव्यू आई वाज नॉट एबल टू आंसर देम। और यहाँ तक कि जो पहले दो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए वो भी उनका भी मुझे जवाब नहीं आता था, लेकिन वहाँ पे भी जो चीज़ मुझे मैं कहूँगा कि जिसने मेरी सक्सेस की वजह बनी वो ये थी कि मैंने वहाँ पे भी प्रेशर नहीं लिया, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लिया, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था मैंने बुक्स नहीं पढ़ी हुई, मैंने बहुत टू द पॉइंट नॉलेज लिया हुआ है। और इंटरव्यू में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो जनरल हिस्ट्री से रिलेटेड थे, यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड थे, या वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड थे, जो चीज़ें मुझे इतनी अच्छी नहीं आती थी। ठीक है। तो उसमें फिर मैंने यही किया था कि अगर 15 to 20 क्वेश्चंस ऐसे हो गए हैं जिनके आंसर्स मुझे नहीं आते, तो उसके बाद अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर मुझे आता है, तो डाउटफुल ज़रूर था मैं उस पर ठीक है। कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। मुझे जो सेटिस्फेक्शन थी वो ये थी कि मैंने इंटरव्यूअर्स को, पैनल को प्रॉपरली हैंडल एटलीस्ट किया, मैंने कोई ठीक प्रेशर नहीं है। लिया, मैंने कोई ब्लंडर नहीं मारा। ठीक है। मतलब जो आंसर, जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता उस पर मैंने सिंपली ये कह दिया, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस। ठीक तो है। उस पर एक दफ़ा तो ऐसा हुआ, एक पैनलिस्ट ने 15 to 20 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जिनके कंटिन्यूसली मुझे आंसर्स नहीं आते थे, तो और मैं कंटिन्यूसली सॉरी बोल रहा था, तो ही सेड के डोंट गिव अप टू अर्ली, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। तो फिर मैंने, जब उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा उसका भी मुझे आंसर नहीं आता था, लेकिन फिर मैंने, उन्होंने चूंकि कहा था कि गिव इट अ ट्राई, तो मैंने उस पर चंद सेकंड सोचा और फिर मैंने उनको कहा कि आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। कि कोई भी इतनी श्योरिटी से नहीं कह सकता कि, इवन रिटर्न भी अटैम्प्ट करने के बाद मैं ये नहीं कह सकता था कि मैं डेफिनेटली क्लियर कर लूँगा, ठीक है। इतना एम्बिगुअस होता है। मुझे तो ये भी लग रहा था कि मे बी मेरी एलोकेशन ना हो, ठीक है। तो क्योंकि वही है कि यू हैव टू होप फॉर द बेस्ट लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट रखें, और किसी भी चीज़ का आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तैयारी बाकी तमाम एस्पिरेंट से कम भी है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो यू हैव अ गुड इनफ चांस टू क्लियर इट। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो ये है कि वहाँ पर आप क्या डिलीवर करते हैं। आपका नॉलेज चाहे जितना मर्जी ज़्यादा है, वो आपको हेल्प आउट उस सूरत में करेगा अगर आप वहाँ पे उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये मेरा मैसेज है कि आपने जो भी तैयारी करनी है वो बहुत टू द पॉइंट होनी चाहिए, प्रेशर आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ इन फैक्ट, और आपने ये सोचना है कि मैंने अपना बेस्ट देना है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा।